दोस्तों, अगर आपने भी घर पे लॉन या किचन गार्डन बना रखा है तो आप वहाँ पे ये वाले स्प्रिंकलर लगा सकते हैं। ये स्प्रिंकलर को लगाने के लिए सबसे पहले पीवीसी पाइप को डालना होता है। पीवीसी पाइप को लेआउट करने के बाद उसको सॉल्वेंट के साथ अच्छी तरह से जोड़ लें। जब पीवीसी पाइप जुड़ जाएगी दोस्तों, तो इन स्प्रिंकलर्स को आप 3 से लेकर 10 मीटर की दूरी पर लगा सकते हैं। जैसा कि अभी देख रहे हैं, इस पर सबसे पहले हमने होल किया, फिर ऊपर ये फेडरल कफ दिया। अब इसके ऊपर हम लोग ये स्प्रिंकलर फिट कर देंगे। इसके साथ दोस्तों असेंबली होती है, फिर आप डायमाइक कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप लॉन के अंदर लगा रहे हैं स्प्रिंकलर को, तो इस स्प्रिंकलर को आपने अंडरग्राउंड फिट कर देना है। जो लॉन होगा उसे 1-2 इंच नीचे रखना है। जो भी दोस्तों आपके घर पे मोटर होगी, वहाँ पे आपने इस मोटर के साथ एक फिल्टर के द्वारा इसको कनेक्ट करना है। अब देख रहे हैं दोस्तों, इसको कनेक्ट करने के बाद अभी हमने चालू कर दिया है और 2.5 kg का प्रेशर आ रहा है और स्प्रिंकलर एक तरफ को 35 से 40 फीट तक पानी फेंक रहे हैं। इससे बहुत ही अच्छी इरीगेशन हो जाएगी।